हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का क्विज नंबर 25 एंड टॉपिक इज एचआरएम। यहाँ पे जो है पेपर कोड 08 कॉमर्स के लिए एचआरएम का जो सिलेबस है उसमें से ये क्वेश्चन जो है आपके एनटी नेट कॉमर्स में आपको इजीली देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप वाइन इज अ टाइप ऑफ, कि जो ग्रेप वाइन है वो किस टाइप का जो है कम्युनिकेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन इज रिटन कम्युनिकेशन, एंड सी ऑप्शन इज लेटरल कम्युनिकेशन, एंड डी ऑप्शन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इतना इजी क्वेश्चन है ये, आपको जो है पेपर में लास्ट टाइम भी आपके जो है दिसंबर 2019 में आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। सो राइट आंसर इज ग्रेप वाइन जो है एक टाइप है, वो किसका टाइप है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। सो वट इज ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन इज अ वर्ड फॉर गॉसिप। ठीक है, अब जो गोसिप होते हैं लाइक हमें गोसिप का ये नहीं पता चलता कि वो गोसिप या जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ से आई है। ठीक है, इस तरह से लाइक जो एक हम बोलते हैं ग्रेप्स का, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप वाइन कैसे, जैसे ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का गुच्छा होता है तो उसमें इतने सारे ग्रेप्स होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा ग्रुप कहाँ से अटैच है, कौन सा ग्रेप कहाँ से अटैच है। ठीक है, तो ये ग्रेप वाइन जो है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और इसको जो है एक वर्ड है ये गोसिप, मतलब यहाँ पे गोसिप होती है, मतलब र्यूमर्स यहाँ से फैलती है ग्रेप वाइन से। एनीथिंग हर्ड ऑन ग्रेप वाइन वॉज लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, तो ग्रेप वाइन जो है एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली गोसिप, इंफॉर्मेशन तो मिलती है बट एक तरह से गोसिप, मतलब वो चीज जरूरी नहीं है वो इंफॉर्मेशन जो है ट्रू होती है, फॉल्स भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन झूठी भी हो सकती है बट एक तरह से र्यूमर्स जैसे फैल जाती है, कोई गलत बात फैल जाती है, जैसे गॉसिप करते हैं सब लोग साथ में बैठ के, तो हमें ये नहीं पता होता कि वो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई है, क्या उसका सोर्स है, कौन से पर्सन ने उस चीज़ को फैलाया है। ठीक है, सो दिस इज अ गॉसिप, तो ये एक इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कौन कहाँ से गाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलिसी, बी ऑप्शन इज प्रोसीजर, सी ऑप्शन इज प्रोग्राम, एंड डी ऑप्शन इज स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे कुछ 7 स्टेप्स दिए गए हैं कि जब आप डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स आप जो है फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो गाइड किया जाता है बाय द पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी में आप ये बनाते हो कि क्या आपकी पॉलिसी है, कैसे आप डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पे कुछ 7 स्टेप्स है डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन का कि कौन से एरिया के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, फिर आप जो है गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं डिसीजन लेने से रिलेटेड। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिलेटिव्स, अब आपके पास जो है एक डिसीजन नहीं होता है, मान लीजिए आपके पास जो है 4 कोई डिसीजंस है। ठीक है, अब आप उसमें से जो है सबसे बेस्ट को चूज करते हैं, तो आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव, जो आपके पास ऑल्टरनेटिव मतलब आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव है, फिर वेट द एविडेंस, आप जो है हर एक जो है डिसीजन जितने भी होते हैं उनके अच्छे अच्छे से जो प्रूफ होते हैं या फिर कि वो डिसीजन कैसे आपको बेटर हेल्प करेगा, एक डिसीजन दूसरे डिसीजन से कैसे आपको बेटर हेल्प करेगा ये आप चेक करते हैं। चूज अमंग द ऑल्टरनेटिव, अब इतने सारे 4 डिसीजन में से कोई भी एक बेस्ट डिसीजन को चूज करते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं, टेक एक्शन एंड रिव्यू योर डिसीजन। फिर आपने जो आपने डिसीजन लिया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या उसका अफेक्ट हुआ है, जो आपने सोचा था क्या आपके स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है वो डिसीजन, आपके जो है गोल्स को फुलफिल कर रहा है आपका डिसीजन या नहीं कर रहा है, तो आप ये लास्ट स्टेप पे चेक करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो गाइड किया जाता है बाय द पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कौन सा जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का फील्ड नहीं है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस, बी ऑप्शन इज स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड देयर एसोसिएशन, सी ऑप्शन इज मैनेजमेंट एंड देयर एसोसिएशन, एंड डी ऑप्शन इज स्टेट एंड देयर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर आप उसको एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस भी बोल सकते हैं, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है जिसमें कि आप स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, अब किस किस के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में, लेबर ट्रेड यूनियंस के बीच में क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट। ठीक है, सो कौन सा फील्ड नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सो राइट ऑप्शन इज बी कंज्यूमर्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्री में जितने भी रिलेशन है लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट या फिर लेबर ट्रेड यूनियन का क्या रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन है ट्रेड यूनियन से, तो ये सब जो है इसमें स्टडी किए जाते हैं। तो क्या स्टडी नहीं किया जाता, स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड देयर एसोसिएशन।
ठीक है, मैनेजमेंट को भी इसमें जो है डील करते हैं, देर इंस्टीट्यूशंस को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कौन सा फैक्टर नहीं है. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, बी ऑप्शन इज इकोनॉमिक फैक्टर, सी ऑप्शन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड डी ऑप्शन इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फैक्टर्स. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन कौन से फैक्टर से जो है इन्फ्लुएंस होता है, तो पहले हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं. एंड द राइट ऑप्शन इज डी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फैक्टर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट नहीं है. तो कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, बी इज, सेकेंड ऑप्शन इज इकोनॉमिक फैक्टर, थ्री ऑप्शन इज सोशल फैक्टर, कि सोशल फैक्टर भी जो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर एंड ग्लोबल फैक्टर्स. तो हमने कौन से फैक्टर्स को स्टडी नहीं किया है, हमने कोई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फैक्टर्स को स्टडी नहीं किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. फर्स्ट इज हाई प्रोडक्टिविटी, पीस एंड प्रॉफिट, कि जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो हम किस में नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है. हाई लेबर टर्नओवर, अगर हाई लेबर टर्नओवर है तो क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है. अगर हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, अगर एब्सेंटिज्म ज़्यादा है तो क्या वहाँ पे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं. हाई रेट ऑफ मैंडेज लोस्ट, तो यहाँ पे कौन सा जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का जो है अफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है. तो राइट ऑप्शन इज ए, कि अगर हाई प्रोडक्टिविटी है, अगर पीस भी है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट भी आपको हो रहा है, तो उस केस में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वहाँ पे नहीं है, मतलब सब कुछ जो है पीसफुल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो हाई प्रोडक्टिविटी, पीस एंड प्रॉफिट जो है एक पॉजिटिव है, तो बाकी सारे जो है नेगेटिव है. हाई लेबर टर्नओवर नेगेटिव है, एब्सेंटिज्म जो है अगर ज़्यादा बार बार लोग जो है एब्सेंटिज्म की रेट ज़्यादा है तो ये भी एक नेगेटिव है, तो मतलब डिस्प्यूट्स जो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो हमने बोला है कैन नॉट बी सेड कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे नहीं हो रहा, हाई प्रोडक्टिविटी जहाँ पे है, पीस है, प्रॉफिट भी है, तो डेट मीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वहाँ पे नहीं है, मतलब डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़े तनाव नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन. कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर कौन सी चीज नहीं आती है, कौन सी चीज प्रोवाइड नहीं है. ऑप्शन ए इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, बी ऑप्शन इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सी ऑप्शन इज ग्रीवियंस प्रोसीजर एंड डी ऑप्शन इज मल्टीनेशनल कंपनीज. एंड द राइट ऑप्शन इज डी, मल्टीनेशनल कंपनीज. कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है इसमें नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड की है, कौन उसका जो है राइटर है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज अलान फ्लैंडर्स, बी ऑप्शन इज नील डब्ल्यू चैम्बरलिन, सी ऑप्शन इज सिडनी एंड बेरेटिक वेब्स, डी ऑप्शन इज जॉन टी डनलॉप. एंड द राइट ऑप्शन इज सी, सिडनी एंड बेरेट्रिक्स वेब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डबल एज टूल टू. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो डबल एज टूल है, वो किसके लिए है. फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट स्पेस फॉर एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइव, बी ऑप्शन इज ऑफरिंग चैलेंज फॉर प्रमोशंस, सी ऑप्शन इज एकम्पनिंग द कोर्स ऑफ डिमोशन एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. तो वट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है ये हमें पढ़ना है. तो वट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ पे देखते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है एम्प्लॉयज के बिहेवियर का इन द वर्क प्लेस, विच इंक्लूड्स कि जहाँ पे वो एक पर्सन काम कर रहा है उसके टोटल बिहेवियर को चेक करना, इवैल्यूएट करना कि क्या क्या उसने जो है, क्या क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव है, इसमें क्या क्या चेक किया जाता है. एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस, क्या उसने जॉब में परफॉर्म किया, मतलब जो उसको गोल्स दिए गए थे क्या उसने जो है अचीव किए हैं, जो उसको सेट स्टैंडर्ड्स दिए गए थे क्या उसने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है. इट इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्चुअली द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जॉब. यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल
आपकी जॉब को इवैल्यूएट करना जॉब की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना नहीं है, बट इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल इज रिलेटेड टू द जॉब होल्डर, कि जॉब का जिसने जॉब को परफॉर्म किया है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है इस परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे जो है स्पेस भी फॉर एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ऑफरिंग चैलेंज फॉर प्रमोशन एकम्पनिंग द कोर्स ऑफ डिमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज डिटरमिनेशन इज मोस्टली डन थ्रू टूल्स विच आर, कि जो वेज डिटरमाइन किया जाता है आपका वो किस बेस पे किया जाता है, ऑब्जेक्टिव, बी ऑप्शन इज सब्जेक्टिव, सी ऑप्शन इज बोथ ऑफ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, कि यहाँ पे जो है जो आपका वेज डिटरमाइन किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव से भी किया जाता है और सब्जेक्टिव से भी किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कम्स फ्रॉम, कि जो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वो कहाँ से आया है, ए ऑप्शन इज जॉब एनुअल, जॉब मैनुअल, बी ऑप्शन इज जॉब डिस्क्रिप्शन, सी ऑप्शन इज जॉब स्पेसिफिकेशन, एंड डी ऑप्शन इज जॉब ड्यूरेशन। सो क्वेश्चन को देख लीजिए और राइट आंसर जो है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी स्टूडेंट्स को पता है क्वेश्चन का। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और प्लस आपको ये बताना है कि आपको जो ये सीरीज है एमसीक्यूज की कॉमर्स के लिए, तो ये आपको कैसी लगती है। इफ यू वांट सम चेंजेस, अगर आपको कोई चेंजेस की भी नीड है तो भी आप वहां पे सजेशंस डाल सकते हैं अपने। सो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।